दोस्तों, क्या आपके फ्रिज में रखी सब्जियां बहुत ज्यादा बर्फ बनती है, गलकर खराब हो रही है? तो मैं इस वीडियो में गाइड करता हूँ कि कैसे आप बहुत सिंपल और सरल तरीके से अपने फ्रिज को घर पर ठीक कर सकते हैं। आपको बस करना इतना ही है कि फ्रिज के दरवाजे को खोलना है, खोलकर फ्रीजर के नीचे जो ट्रे लगी है उसको सामने की तरफ खींचकर वहां नीचे चेक करनी है कि थर्मोस्टेट से एक तार सेंसर जो कि फ्रीजर पर चिपक कर लगी होती है, कई बार वो निकल जाती है, गिर जाता है, जिसके कारण से सेंसर ठीक से काम नहीं करती तो फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ बनने लगता है। अगर सेंसर तार निकल गई है तो उसको हम फिर से वापस उसको लगानी है। अगर नहीं निकली है तो थर्मोस्टेट को मैं चेक करनी कि हमने उसको कहीं ज़्यादा पर सेट करके नहीं रखा है। अगर ज़्यादा पर सेट होगी तो उसको हम मिनिमम एक या दो पर लाकर सेटिंग करेंगे, जिससे फ्रिज में ज़्यादा बर्फ बन रही होगी वो नहीं बनेगी और हमारी जो सब्जियां वगैरह है वो खराब होने से बच जाएगी। दोस्तों, हमने दोनों चीज करके देख लिया, उसके बाद भी अगर फ्रिज में ज्यादा बर्फ बनती है तो थर्मोस्टेट खराब हो गई है, उसे हमें सेम मार्केट से नई थर्मोस्टेट लाकर चेंज करनी है। और चेंज करते ही हमारी जो फ्रिज में ज्यादा बर्फ बन रही है उसकी प्रॉब्लम को हम परमानेंटली सॉल्व कर पाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं फ्रिज से जुड़े एक नई वीडियो लेकर। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद।